हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे टाटा पंच का। पंच में आपको फोर वेरिएंट्स मिलते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश एंड क्रिएटिव। इसका सेकंड बेस एडवेंचर वेरिएंट है। फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे लो बीम एंड हाई बीम के लिए। इसमें आपको DRLs की जगह यहाँ पे एक बल्ब दे रखा है हेलोजन। हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। फ्रंट ग्रिल आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगी, टाटा का लोगो। फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक है। अंडरबॉडी इंजन गार्ड इस कार में अवेलेबल नहीं है। इस कार में आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा। अब बोनट को ओपन कर लेते हैं। ₹1199 थ्री सिलेंडर ये प्रोड्यूस करेगा 86 BHP एंड 150 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर करें। सेफ्टी में इसमें आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD और भी थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। ये गाड़ी आती है सब कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में। इसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे व्हील कैप्स के साथ। 185/70 R15 फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स। व्हील आर्च क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे बी पिलर ब्लैक टेप के साथ। रूफ पे आपको एंटीना मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर एंड डिफॉगर दोनों ही ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर। इसमें आपको हेलोजन टेल लैंप्स मिलेंगे, टेल लाइट एंड ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको LED में मिलेगी। पंच की बैजिंग, टाटा का लोगो। अब टेलगेट को अनलॉक कर लेते हैं। टेलगेट अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। इसमें आपको कवर्ड टेलगेट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाएगा टेलगेट क्लोज करने के लिए। रियर पार्सल ट्रे, स्पेयर व्हील 15 इंचेस का, बूट लैंप, टूल किट। ये बेसिकली पंचर किट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 37 लीटर्स की मिलेगी। बूट स्पेस 366 लीटर्स का, मैं आपको बताना भूल गया था। ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm। रियर का डोर हैंडल आपको सी पिलर पे मिलेगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रीन शेड टाइप कलर मिलेगा। स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगा। ट्विटर, रियर में आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। रियर की सीट्स को बेंच फोल्ड करना पड़ेगा, ये कंप्लीट फोल्ड होगी। आगे वाली सीट कंप्लीट पीछे है, उसके बाद कुछ इतना लेग रूम बचता है। मेरी हाइट 5'8" है। यहाँ पे आपको मैप पॉकेट्स नहीं मिलेगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी फोन प्लेस करने के लिए। रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है। ग्रैब हैंडल,
अब चलते हैं इसके फ्रंट में। इसमें आपको कुछ इस तरह की की मिलेगी लॉक अनलॉक एंड लाइट के साथ। इसमें आपको फॉलो मी होम हेडलाइट मिलेंगे। इसमें आपको सेकंड की ऐसी मिलेगी बेसिक सी, ये फ्लिप की है। फ्रंट डोर भी आपको ड्यूअल टोन मिलेगा। यहाँ पे आपको अगेन किसी भी तरह का सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, ओआरवीएम एडजस्टमेंट के कंट्रोल, ट्विटर स्पीकर बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। इसमें आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा। ड्राइवर सीट सीट को आप फोर वे एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में। यहाँ से आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट। यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा। कीरिंग इल्यूमिनेटेड है। अब कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इतना इंजन का साउंड है। बोनट का व्यू विजिबल कंप्लीट रहता है। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर। यहां से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। सेंटर में आपको एक एमआईडी मिलेगी, एवरेज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज माइलेज। यहाँ से आप ट्रिप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, किलोमीटर्स ड्रिवन और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप कैबिन की इल्यूमिनेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपको कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, फ्लैट बॉटम। ये लेदर रैप्ड नहीं है। इसमें आपको लेफ्ट साइड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। यहाँ से आप इकोनॉमी मोड को ऑन कर सकते हैं। हेडलैम्प के टॉगल, वाइपर्स के टॉगल, स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपको सिंगल रिन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ये सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ एफएम, बिल्कुल बेसिक सा है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे फोर स्पीकर्स। अब एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। मुझे पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी लगी है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे भी आपको ट्विटर्स मिल जाएंगे, दो एसी वेंट, हजार्ड लैम्प का स्विच। यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलेंगे कुछ इस तरह से, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट, चार्जर इसमें अलग से लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए दिया है, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा। इसमें आपको डिसेंट सा ग्लव बॉक्स मिलेगा, ये कूल्ड एंड लाइटेड दोनों ही नहीं है।
को ड्राइवर सेट आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सनशेड पे, सेंटर में कैबिन लैम्प, हैलोजन, डे नाइट आर वी एम। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा। तो ये था टाटा पंच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से हैं और आपको इस कार को परचेज करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।